नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर्स। दोस्तों आज का दिन थर्सडे है, एक्सपायरी है, आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम आ सकता है, क्या ये एक्सपायरी ऊपर हो सकती है या फिर कल के क्लोजिंग से नीचे हो सकती है, तो ये देखेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट पैटर्न। दोस्तों अगर कल की बात करें तो मार्केट बहुत फ्लैट जाके क्लोज हुआ है, 10 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज हुआ है। और अगर कल देखेंगे न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया निफ्टी ने। जी हाँ दोस्तों, जो पिछला जो रेजिस्टेंस था, जो लेवल था, उसको क्रॉस किया है निफ्टी ने कल के दिन। तो एक बुलिश पैटर्न है मार्केट में, निफ्टी की कैंडल में। उन्होंने बताया था मार्केट बुलिश है, यहाँ से और मार्केट ऊपर जा सकता है, 16,800 के लेवल से पॉसिबल है। आज के दिन निफ्टी में आपको बाय करना चाहिए दोस्तों, जैसे मार्केट ओपन होता है जो भी लेवल आपको मिले उसमें बाय करना चाहिए। कल भी मैंने आपको सजेशन दिया था कि जैसे फ्लैट ओपन अगर होता है तो बाय कीजिए। मार्केट 24 पॉइंट्स प्लस में कल ओपन हुआ था, 24 पॉइंट्स प्लस ओपन होते ही ऊपर जाके 50 प्लस जाके 50 60 प्लस मार्केट गया था निफ्टी। तो आप वहाँ पर बुक कर सकते थे, अगर जिन्होंने भी कल इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग किया है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, अच्छा प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा। दोस्तों उसके बाद कल के दिन ऊपर से थोड़ा नीचे भी आया था मार्केट, क्योंकि वेडनेसडे था, प्रीमियम डीके करना था ऑप्शंस में, इसीलिए थोड़ा फ्लैट ही क्लोज जाके क्लोज हो गया है। एक ही रेंज बाउंड मूवमेंट आके वहीं पर क्लोज हो गया जहाँ से ओपन हुआ था। तो दोस्तों आपको ओपन होता है मार्केट को, जैसे मार्केट ओपन होता है आपको बाय करना चाहिए निफ्टी में। 16,634 का लेवल है, आप 16,650 से लेकर 16,680 के लेवल से बाय कर सकते हो और टारगेट रह सकते 16,750 तक। जी हाँ दोस्तों, इतना टारगेट इजीली अचीवेबल निफ्टी में। सेक्टर्स भी आईटी सेक्टर स्ट्रांग है जो सपोर्ट कर रहा है, फार्मा सेक्टर भी स्ट्रांग है, तो ये सेक्टर्स के बदौलत 16,750 का जो टारगेट है वो इजीली अचीवेबल है, तो आप निफ्टी में बाई कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अगर मैंने आपको कल के वीडियो भी देखेंगे, अगर आप हमारे कल के वीडियो, तो उसमें मैं आपको बताया कि जब तक रेजिस्टेंस लेवल जो बैंक निफ्टी का है वो क्रॉस ना करे तो एक मोमेंटम बहुत अपसाइड वाला नहीं बन सकता है। तो कल मार्केट फिर से बैंक निफ्टी इतना ऊपर कल के दिन जाके फिर से थोड़ा ऑकेश हुआ है, 125 पॉइंट्स नीचे जाके क्लोज हुआ, ज़्यादा से नेगेटिव में जाके क्लोज हुआ है। आपको वेट करना चाहिए, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ बैंक निफ्टी में कब तक वेट करना चाहिए और फिर पोजिशन बनाइए। दोस्तों पोजीशन है 36,230, जो कल आपको मैंने बताया था 36,200 तक, यानी कि अभी से 400 से 500 पॉइंट्स, 400-500 पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज होता है निफ्टी बैंक, सॉरी 400-500 पॉइंट के अगर ऊपर क्लोज होता है बैंक निफ्टी, तो एक अच्छा फिर से मोमेंटम दिखेगा, फिर 37,500 के लेवल्स में अचीवेबल रहेगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी ओपन में बाई करने की सजेशन रहेगी, अगर 35,500 से नीचे अगर ओपन होता है तो अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। फिर से कल के दिन बैंक निफ्टी बाउंस करेगा और 400 से 500 पॉइंट्स के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, तो ये राय रहेगी कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड कीजिए, दोनों में इंट्राडे पोजीशंस बनाइए, एक्सपायरी में आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।